Thanks, so we drop it again. यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जानवी को छोड़ने जा रहा होता हूँ बस स्टॉप और वो वापस जा रही होती है दिल्ली शहर. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे थैंक यूज़ और सॉरीज़ हो जाते हैं जो इतने टाइम में हो गए हैं. तो एक एक बहुत ही अच्छा सा कंफर्ट लेवल क्रिएट हो जाता है. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्यार जो है एक दूसरे को एक दूसरे से वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है थोड़ा बहुत. तो आई थिंक इट्स अ बिगिनिंग ऑफ लव हैपनिंग. ये घड़ी कुछ ऐसी थी कि मैंने स्कूल के वक्त में उसे दी थी और तब उसने रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि मैं बहुत बड़ा ब्रैट था, बैड बॉय था. और वो घड़ी मैंने संभाल के रखी थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी और मुझे पता था कि एक ना एक दिन मुझे जानवी दोबारा मिलेगी और वही घड़ी मैं उसे दोबारा गिफ्ट करता हूँ और इस बार वो एक्सेप्ट कर लेती है. बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, बहुत सारे टर्न्स आने वाले हैं और प्यार तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बहुत कुछ होने वाला है. आई थिंक वो तो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए. और अब तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, TRPs इतनी अच्छी आई हैं. इट्स अ नंबर वन शो ऑन NTV, सो आई एम होपिंग पीपल आर लविंग इट ऑलरेडी. तो आप देखते रहिए और प्यार देते रहिए और आई एम श्योर कि आपको बहुत सारा मज़ा आने वाला है इसके अंदर. सर अपने व्यूवर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने मुझे आज तक बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे सारे शोज़ देखे हैं, मुझे बहुत ब्लेस किया है. और इस शोज़ के साथ, इस शो के साथ भी मुझे उतना ही प्यार दें, मेरी परफॉर्मेंस को निहारें और मुझे ब्लेस करें इस शो के लिए.